अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जनता से सवाल जवाब के कार्यक्रम करते हैं और सीधा जनता से जुड़ते हैं। पीएम के सवाल ऐसे रहते हैं जो देश और इतिहास तक की बातें सामने रख देते हैं। एक ऐसा ही सवाल एंकर ने पीएम मोदी से पूछा, तो पीएम मोदी ने जनता से सवाल पूछ लिया कि वेद किसने लिखे थे, तो देखिए क्या जवाब मिला। तो एक सवाल जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखे? आप में से कोई बता सकता है कि वेद किसने लिखे थे? दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ, और आज भी 5,000-10,000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं, आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने, उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं इतिहास में अमर होने के लिए अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें, ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।